भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद केस की समाअत। अदालत ने उस्मा के माजी के केस नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद लाजमी नहीं के फैसले पर नजरसानी के लिए लार्जर बेंच बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत करके फैसला महफूज किया था। 1994 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी नहीं, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। मुस्लिम फरीकैन का मौकफ है कि मरकूजा रूलिंग बाबरी मस्जिद केस में उनके मौकफ पर असरअंदाज हो सकती है, इसलिए लार्जर बेंच बनाकर इस पर नजरसानी की जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मरकूजा फैसला महदूद तनाजुर में जमीन हासिल करने के लिए एक केस में दिया गया था। मुबस्सरीन का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 के इंतखाबात के लिए मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की इंतखाबी मुहिम को भी मुतासिर कर सकता है।